राम रथ यात्रा को रोकना, कार सेवकों पर गोली चलाना, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे देना, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताना, ये सब कारनामे करके रामद्रोहियों ने रामलला के जन्मस्थान के निर्माण में रोड़े अटकाए। 491 सालों तक संघर्ष के बाद जब भारतीय जनमानस को न्याय मिला तो इन सेक्युलर गिद्धों के सीने पर सांप लौट गए, जिसका ताजा उदाहरण है आम आदमी पार्टी का फर्जी जमीन विवाद। लेफ्ट मीडिया और लिबरल गैंग की आंखों के तारे केजरीवाल के ब्लैक ही राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक शिगुफा छोड़ा है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जमीन के नाम पर 18 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। और संजय ब्लैकिए ने जो कागज दिखाए हैं उसमें एक हिस्सा 2011 का और दूसरा हिस्सा 2021 का है। इसके नेता आत्ममुग्ध बोने ने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर महंगाई का हवाला देते हुए कहा था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है जी, विधायकों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अब इसको ये अंदाजा नहीं कि सबके आराध्य श्री राम लला के पक्ष में निर्णय आने के बाद अयोध्या धाम में जमीनों के भाव आसमान छू गए हैं, वहां का मार्केट रेट बढ़ गया है। दरअसल केजरीवाल के इस नगीने की बातों के पीछे उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण कर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के अलावा और कुछ नहीं है। 1990 में इसी जमात के लालू यादव ने प्रभु श्री राम की रथ यात्रा रोकी। उसी साल मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी क्योंकि वो राम भक्त थे। इंटरव्यू में बैठकर मियां मुलायम छाती ठोक कर ये बात स्वीकारते थे कि हमने कार सेवकों पर गोली चलवाई। और 90 के दशक में इन दोनों रामद्रोहियों ने धर्म और जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटकर खूब वोट बटोरे और सत्ता की मलाई चाटी। केजरीवाल की जो पेरेंट पार्टी यानी कि माई बाप पार्टी है यानी कि कांग्रेस, भगवान राम का विरोध करने में वह भी कम नहीं। कांग्रेसियों की राजमाता ने तो भगवान राम को काल्पनिक तक कहलवा दिया था। उनका चमचा कपिल सिब्बल खुद सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ रहा था। तो आज जो केजरू एंड कंपनी का ये राजनीतिक दाव है उससे भ्रमित होने या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रेता युग में जैसे रामद्रोहियों का नाश हुआ था वैसे ही राम भक्तों के संघर्ष का फल हमें 2019 में न्यायालय से मिला और श्री राम जन्मभूमि स्थान पर रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य सतत रूप से चलता रहेगा, चाहे ऐसे कितने ही रामद्रोही रोड़े अटकाने आते रहें।